Hi friends, welcome to my channel Suju Simply Cooking. Ye mera first seafood recipe hai for all you seafood lovers. Here is a very simple, easy and delicious prawns masala recipe which guarantees to be better than any seafood restaurant. So let's see kaise banaya jata hai. सबसे पहले मैंने अराउंड 15 ड्राई कश्मीरी मिर्च को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करके रख दिया है. गर्म पानी से वो जल्दी से सोक हो जाती है. इसको हमें ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है. कश्मीरी मिर्च एक अच्छा सा कलर देगा हमारे ग्रेवी को. अब पेस्ट रेडी है. नेक्स्ट दो मीडियम साइज प्याज को कट करके ग्राइंड कर देते हैं. मीडियम साइज अनियन पेस्ट और एक मीडियम साइज प्याज को स्लाइस करके ले लेते हैं. 7 से 8 गार्लिक, 1 इंच अदरक, इसे हम क्रश कर देते हैं. आप ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखिए कि इसे हमें कोर्स क्रश करना है, फाइनली ग्राइंड मत कीजिए. 3 से 4 तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च, इसे भी थोड़ा सा हम क्रश करके ले लेते हैं. अब जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च क्रश करके रेडी है. अब कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं. तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिए. ऑयल गर्म हो चुकी है. अब इसमें हमने जो स्लाइस किया हुआ प्याज था वो डाल देते हैं. प्याज को ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, इसे ट्रांसलूसेंट ही रखना है. अब जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दे और अच्छी तरीके से मिला ले. ऐड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, मैंने यहाँ पे अराउंड 1/2 टीस्पून लिया हुआ है. इन सबको अच्छे से सॉटे कर दे. अराउंड 2-3 मिनट के बाद जो लाल मिर्च का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था वो डाल दे. लाल मिर्च का पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर दीजिए. और फिर इसमें अनियन का पेस्ट डाल दे. इन सब मसालों को हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करके लेना है. सब मसाला हमने मीडियम फ्लेम में फ्राई करके लिया है. यहाँ पे क्लीन करके मैंने अराउंड 50 to 55 मीडियम साइज प्रॉन्स लिया है. जैसे कि आप देख सकते हो मैंने प्रॉन्स का टेल रखा है. ये प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा लगता है, बट इसे ऐसे हाथ में पकड़ कर खाने का मजा ही कुछ और है. सभी मसालों को प्रॉन्स के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए. सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल दे. इसे हमें अराउंड 2 मिनट तक सॉटे करके लेना है. प्रॉन्स को हमें इसे थोड़ी देर पकाना है. अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ. मिक्सी में जो बचा हुआ मसाला था उसी से मैंने पानी लिया हुआ है. आपको ग्रेवी थोड़ा पतली चाहिए तो आप और पानी डाल सकते हो. मुझे थोड़ी ग्रेवी थिक अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा है. अब लेड लगा के हम इसे अराउंड 15 मिनट्स तक पकाते हैं. हम 10 मिनट हो गया है, हम थोड़ा प्रॉन्स को सॉटे कर देते हैं. इसे थोड़ा और पकने की ज़रूरत है. 5 मिनट इसे पकाने के लिए रख देते हैं. 5 मिनट हो गई है और मसालों से तेल भी छूटने लगी है. इसका मतलब हमारा प्रॉन्स मसाला रेडी है. ग्रेवी को एक रिच और टैंगी टेस्ट देने के लिए मैंने 2 टीस्पून टोमेटो सॉस यूज़ किया है. आप चाहो तो टोमेटो प्यूरे भी यूज़ कर सकते हो. और सिर्फ 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दे. मिक्स कर दीजिए और बस 1 मिनट के बाद इसमें ऊपर से धनिया पत्ता डाल दीजिए. अब हमारा प्रॉन्स मसाला इज़ रेडी टू बी सर्व. इसे आप चपाती, राइस, रोटी या पाव के साथ भी एंजॉय कर सकते हो. लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसी, बट टेस्ट में रेस्टोरेंट से भी बेहतर.
अब आप ये प्रॉन मसाला घर पे भी ट्राई कर सकते हो और कैसी बनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.